पिछोर में किसानों की समस्या को लेकर भाजपा से निष्कासित नेता प्रीतम सिंह लोधी 13 दिन से बैठे आमरण अनशन पर, लेकिन अभी तक ना तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई अधिकारी उनके पास अपनी मांगों की समस्या का निराकरण करने नहीं पहुंचा। प्रीतम सिंह जी ने बताया कि जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों पर अभी तक शासन और प्रशासन ने गौर नहीं किया है। अगर उन मुख्य मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मैं पिछोर से दिल्ली तक पदयात्रा करूँगा और इस पदयात्रा में हजारों समर्थक मेरे साथ रहेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा और उन्हें पिछोर विधानसभा की हालत बताऊंगा, किस तरह से किसान भाई परेशान हैं। किसानों की समस्याओं को मैं भी प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। प्रीतम सिंह लोधी के आमरण अनशन आंदोलन में प्रतिदिन कई समाज सेवी दल उनके समर्थन में आ रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन टिकट पार्टी के प्रवक्ता प्रीतम सिंह लोधी के आंदोलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह लोधी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। जब लगातार 12-13 दिन से आप अनशन पर बैठे हैं और आमरण अनशन पर किसानों की समस्या को लेकर आप बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार ने ना ही प्रशासन ने अभी तक आपकी सुध ली, ना आपको कोई पूछने आया, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपको? हमने 17 मांगे रखी थी किसानों की, और किसानों की ही जायज़ मांगे हैं, उसमें कोई नाजायज मांग नहीं है। वो मांगों में से हमारी में से 11 मंजूर कर ली हैं, अभी 5 मांग और रह गई हैं, 6 मांग और रह गई हैं। हमने एडीएम साहब से कहा था कि हमारी ये मांगों को ज़िले में और प्रदेश में भेजा जाए, उन्हें ज़िले प्रदेश को भेज दिया है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ वहाँ से हाँ आती है कि ना आती है। अगर ना आई तो फिर मैं यहाँ से, हमने सब लोगों ने मिलकर यहाँ से 5 तारीख को हम यहाँ से पदयात्रा शुरू करेंगे दिल्ली तक, और पहली बार होगी ये भूख हड़ताल यात्रा, और यहाँ से मैं दिल्ली तक जाऊँगा पदयात्रा में, और मोदी जी से जाकर यहाँ के बारे में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, उनको जाकर पूरे यहाँ के नेताओं की और पूरे अधिकारियों की जानकारी दूंगा एक बार उनको मैं, और फिर मोदी जी से हम पूरे लोग मिलकर निवेदन करेंगे कि ये 30 साल से पिछोर में क्या हुआ है ये जाँचें होना चाहिए, और ये इतने पैसे वाले क्यों बने ये जाँचें होना चाहिए, इतना पैसा इन पर कहाँ से आया ये जाँचें होना चाहिए। तो हम 30 साल का हिसाब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके हम हिसाब मांगना चाहती है, कहाँ की पिछोर की जनता यहाँ का हिसाब मांगेगी, जो नई पीढ़ी आई है वो हिसाब लेकर रहेगी। आपका नाम? चौधरी ओम प्रकाश सिंह। किस पार्टी से है? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकट किसी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है उसका। आज आप प्रीतम सिंह जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, अनशन पर बैठे हैं, हमारा अनशन पर आज लगातार बार बार दिन है, क्या कुछ कहना है आपका? जी कहना बहुत कुछ है मेरे को। प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी यादव का कॉल आया था 9:00 बजे, उन्होंने बताया था कि पिछोर में ये आंदोलन चल रहा है, इस पर प्रीतम भैया बैठे हुए हैं अनशन पे, और अपन किसान यूनियन के सदस्य आपको जरूर पहुंचना है प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से। मैंने कहा भाई साहब मैं अवश्य जाऊँगा, सब काम छोड़ के जाऊँगा, और हम सभी पूरी यूनियन भारतीय किसान यूनियन प्रीतम के साथ है, किसानों के साथ है। आवश्यकता पड़ी तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सभी लोग आप सबका सहयोग करेंगे किसानों के लिए। हमारी यूनियन 24 घंटे तत्पर तैयार रहती है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा 13 महीना आंदोलन चला था। हिटलर शाही सरकार, कोई भी ये नहीं कहता था कि सरकार झुकेगी, कानून वापस होंगे, सब लोग यही कहते थे कि जेठा जेठे लड़ते रहे, कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन हमारी किसानों की एकता ने, हमारे उच्च नेतृत्व ने सरकार को झुकाया है। यहाँ पे भी मध्य प्रदेश की सरकार झुकेगी, 1 बार नहीं 10 बार झुकेगी। हमारी जो मांगे हैं, एक चेतावनी और देना चाहता हूँ, 2 दिन का समय और है यहाँ के प्रशासन शासन को, 2 दिन में अगर समस्या का निराकरण नहीं करते हैं, कलेक्टर साहब स्वयं आके आवेदन नहीं लेते हैं, प्रीतम भैया का अनशन नहीं तोड़वाते हैं, तो लखों की तादाद में आंदोलन होगा। भारतीय किसान यूनियन